कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें 30 दिन की बेल मिल गई थी। बता दे, राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। दरअसल जन प्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता सांसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 8 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राहुल के दोषी पाए जाने पर रोक नहीं लगा पाए तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर राहुल की याचिका पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक लगा देती है तब भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी सेशन कोर्ट जाते हैं और वहां से उन्हें राहत मिलती है तो वो जेल जाने से बच सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो तय है कि राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है और इसके अलावा उन पर 8 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है।